फ्रेंड, अगर एक ही तरह का नाश्ता रोज खा खा के बोर हो गए हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला चटपटा सा टेस्टी टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गए हैं। आप इसे डिनर में भी प्रयोग कर सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना चैनल BRP बन्ना किचन में। तो गाइस, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दाल, चना, मटर, मूंग, कोई भी दाल हो ले लें, उसे 3-4 घंटे के लिए भिगा लेना है गाइस। तो चलिए, इसे भिगा कर हम रेडी कर लिए हैं और दिखा देते हैं इसमें क्या चाहिए हमें। मसाला कुछ नहीं डालना, बस 2 से 3 चीज़ें पड़ेगी। तो 8-10 सूखी मिर्ची ले लिया, लहसुन ले लिया है। दाल को हम ग्राइंडर जार में डाल के, लहसुन मिर्ची को भी इसमें डाल के दरदरा क्रैमली रुक रुक के ग्राइंडर को चलाएंगे। एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है हमें, इसे रुक रुक के चलाना है गाइस। तो इसी तरह से अपना सारा दाल हम पीस लेंगे। अगर इसमें आप कोई मसाला डालना चाहते हो तो डाल लें, बट इन्हीं 2 चीज़ों में ये इतना टेस्टी बनेगा, इतना चटपटा सा बनेगा कि पूछिए नहीं। बिन मसालों का हम नाश्ता बनाएंगे और वो भी इतना टेस्टी कि आपको यकीन नहीं होगा। तो मैंने अपना सारा दाल पीस लिया है, इसे दरदरा पीसना है फ्रेंड। तो चलिए, इसमें मिला लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मिलाएंगे अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दाल है तो गैस भी नहीं बनाएगा, अजवाइन से गैस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए फटाफट मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड, आपके पास जो भी दाल हो उसको भिगा ले 2-3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, उससे पीस ले दरदरा। आप इसको इसी तरह से बना ले, आप इसे रेडी कर लें। तो फ्रेंड, मैंने हल्दी, नमक और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम करेंगे साइड, देख सकते हैं ये हो गया मिक्स हो गया। ले लिया मैंने चावल का आटा, आप चाहे तो गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं फ्रेंड, बट आज हम चावल के आटे में बनाने वाले हैं। चावल के आटे में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गुनगुना पानी कर लेना है, गुनगुने पानी से हम चावल के आटे को गूँथेंगे, सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, एकदम सॉफ्ट डो चाहिए। तो चलिए फटाफट अपना आटा भी लगा लेते हैं, चावल का आटा गूँथने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी इजली झटपट बन जाता है, बस 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। आटा मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है, दाल भी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लिया था। आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से दाल और आटा ले लें। आप इस रेसिपी को बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, बच्चे टिफिन एकदम चट कर जाएंगे, फिनिश कर जाएंगे, या ऑफिस वालों को ऑफिस के लिए भी बना के दे सकते हैं। सुबह के नाश्ते में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या शाम के डिनर में भी आप इसको बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, बच्चे तो इसे मांग मांग के खाते हैं। तो आटा हमारा गूंथ के हो गया है रेडी, इधर कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए, इसमें 1/2 लीटर पानी डाल के ढक के बॉयल आने के लिए। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा तब तक हम छोटी छोटी लोई लेंगे पूड़ी के आकार का, थोड़ा पूड़ी से ज़्यादा, और दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए इसे फैला लेना है। अच्छा, एक पतला सा शीट तैयार कर लेना है, आप चाहें तो इसे एक पॉलिथीन रख के चकले पर और पूरी के आकार का बना सकते हैं, किसी कटोरी के मदद से दबाते हुए आप उस वैसे भी बना सकते हैं, बट ये हाथ से भी इजीली बन जाता है बहुत आसानी से। अगर आपको दिक्कत लगे तो एक 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 लोई लेकर गोल करके एक पॉलिथीन शीट बना लें, रख ले चकले पे और उस पर रख के लोई को ऊपर से ढक के पॉलिथीन से और कटोरी के मदद से उसे फैला लें और उसमें एक एक चम्मच बैटर भरते हुए उसे आपस में टच कर देंगे, चिपका लेंगे ऐसे ही दोनों हाथों से दबाते हुए। 1 चम्मच से ज़्यादा बैटर नहीं जाएगा वरना बाहर आ जाता है बैटर। जो चना दाल का फिलिंग हमने तैयार किया था उस फिलिंग को डाल के और पैक कर देना है। चावल के आटे को बहुत इजीली बन जाता है। तो इसी तरह से अपना सारा फारा बना के, नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। इसे कितने लोग चावल के आटे का फारा भी बोलते हैं, कितना लोग पीठा बोलते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं, इसे बॉयल करना, स्टीम करना है। तो ले लिया एक जालीदार थाली,
छलनी वाला थाली है उसमें तेल ग्रीस कर लेंगे, लगा लेंगे। तो तेल लगा के देखिए हमारा पानी बॉईल भी हो रहा है। कढ़ाई में इसे डाल देना है और एक एक फारक उठाकर इस थाली में हम रखते जाएंगे। पूरे थाली में जितनी आ जाए एक बार में आपकी थाली में उसमें लगा लेंगे। गए ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। और सारा फारा रखते हुए इससे ढक के 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। आपको लगे कि ऐसा अभी हुआ नहीं है तो एक जो पिन आता है टूथपिक आता है उससे इसे छेद कर देख लें, या माचिस की तिल्ली हो उससे आप इसे छेद कर देख सकते हैं। अगर आपका तिल्ली क्लीन आ रहा हो तो समझिए कि आपका फारा हो गया है। अगर थोड़ा भी चिपचिपा आ रहा हो तो 2 मिनट के लिए और ढक के पका सकते हैं। तो हमारा फारा बन के हो गया है रेडी, देख सकते हैं मेरा फारा एक ओके है। 10 से 12 मिनट में एक बार में ये बन जाता है एक बैच में। तो गाइस इसी तरह से जितने बैच में आपका फारा बन के रेडी हो उसी तरह उतनी बार में आप इसे बना लें। बहुत झटपट बनता है और चाहे तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ऑयल फ्री है, बहुत ही हेल्दी है, बिना फ्राई किए इसे आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसमें कोई तेल मसाला भी नहीं है, नुकसान भी नहीं करेगा। अगर इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो गाय दूसरी बार बनाने के लिए फिर हम पानी को वैसे ही बॉयल करेंगे ढक के, और दूसरी बार भी अपना सजा के इसी तरह से एक बार में जितनी फारे आ जाए आपके रख के 10 से 12 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो इसके लिए हम चटनी तैयार करेंगे, खट्टा खट्टा टमाटर की चटनी। तो सबसे पहले टमाटर को हम चूल्हे पे पका लेंगे। आप जिस पे आपको आसान लगे पकाना उस पे पका लें। तो मेरे पास अभी यही साधन था पकाने के लिए तो मैं इसी पे पका लूँगी अपने टमाटर को। तो चलिए फटाफट अपने सारे टमाटर पका लेते हैं और इधर अपना फारा भी चेक कर ले रहे हैं। तो गाइस हमारा दूसरा बैच भी बन के रेडी हो गया है। इसे छेद कर एक बार देख लेंगे कि ये पका है या नहीं, थोड़ा भी डाउट हो आपको डाउट लगे तो इस तरह से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 2 बार 3 बार 4 बार जितने बैच में आपका फारा बने उतने बैच में अपने फारे को बना के हम रेडी कर लेंगे फटाफट। तो गाइस मैंने अपना फारा बना लिया है, इधर इसका चटनी भी हम रेडी कर ले रहे हैं। ये बिना चटनी का भी बहुत ही मज़ेदार लगता है गाइस, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर पका लिया, इधर लहसुन मिर्चा भी पका लिया है। टमाटर का छिलका निकाल लेंगे, लहसुन को भी छील लेना है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा चटपटा सा चटनी बनने वाला है। और टमाटर को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, वैसे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है लेकिन काट लेने से अच्छे से पीस जाता है, एकदम बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो ग्राइंडर जार में डालते हुए इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हमारा चटनी बन के हो गया है रेडी। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। डालने के बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही लाजवाब हेल्दी और टेस्टी सा चटनी बन के रेडी होता है। ऐसे आप इसे दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं इस चटनी को बना के फ्रेंड। तो गाइस हमारा चटनी बन के है हो गया है रेडी। चलिए अपने फारे को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा और टेस्टी कर लेते हैं। तो हमारा फारा जो है बना के रखे थे ठंडा हो गया है। इधर कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे, तेल जो हमारा गर्म हो जाएगा। तो अपने फारे को डाल के एक बार में आपके कढ़ाई में जितनी आ जाए उतनी डाल के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, सेकेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट वही आएगा। और थोड़ा सा ऊपर से नमक का छिड़काव कर देंगे तो ये और भी चटपटा लगता है। अगर इससे ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो एक लहसुन ले लें, लहसुन की 2-3 कलियाँ, और एक प्याज ले लें और भून के, और थोड़ा सा टमाटो केचप चिली सॉस वगैरह डाल के उसमें आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है गाइस लगता है। तो गाइस मेरा फारा देख सकते हैं भून चुका है। तो इसी तरह से अपने सारे फारे को भून लेना है, ये बहुत ही झटपट बन जाता है। तो गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो इस तरह का अपलोड हो तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकें। गाइज, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक लाइक एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। गाइज, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके एक लाइक एक कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे काम करने के लिए उत्साह मिलता है, मैं जागरूक होती हूँ। तो गाइज, इसे कट करके आपको दिखा देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी भी है। आप इस नाश्ते को बना के पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो पे, लास्ट तक वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक।